दोस्तों लक्ष्मी बॉम्ब मूवी, जिसका आप लोगों को इंतज़ार होगा कि भाई काफ़ी टाइम के बाद अक्षय कुमार कोई हॉरर फिल्म कर रहे हैं, तो आखिरकार क्या कुछ नया दिलचस्प चीज़ें लाने वाले हैं अक्षय कुमार साहब। तो काफ़ी कुछ चीज़ें भी हो रही है। वहीं दोस्तों मेकर्स भी इससे दुगनी कमाई करने का मास्टर प्लान भी बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वन न्यूज। जी हाँ, बता दें कि मेकर्स भी चाहते हैं कि भाई लक्ष्मी बॉम्ब मूवी जब रिलीज हो तो बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कलेक्शन करे। वैसे आप लोग जानते होंगे कि अक्षय कुमार साहब लक्ष्मी बॉम्ब मूवी के पीछे भी उन्होंने काफ़ी टाइम दिया है और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत भी करी है, और इस फिल्म को एक अलग जॉनर पे तैयार करने के लिए अक्षय कुमार साहब ने काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी तैयारी के साथ उन्होंने इस फिल्म में अपना कदम डाला है। और साथ ही दोस्तों एक हॉरर फिल्म करने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ खास चीज़ें ही होने वाली है, तभी तो अक्षय कुमार साहब इस फिल्म के लिए तैयार हुए। अब बात आती है दोस्तों कि इस फिल्म की जो हॉरर फिल्म बनाई जा रही है और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाएगा बॉक्स ऑफिस पर, तो इसको लेकर भी प्रोड्यूसर्स ने भी सोचा है कि भाई इसकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी हो, इसके लिए कुछ किया जाए। जी हाँ, बता दें कि लक्ष्मी बॉम्ब मूवी अगर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो इससे तगड़ी कमाई करने का भी मास्टर प्लान है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जिस तरह से इन दिनों लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन खुलने के बाद भी देश में काफ़ी टाइम तक स्थितियाँ सामान्य होने में वक्त लगेगा। और इस फिल्म को जैसे ही बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में रिलीज होंगी, तो ऐसे में मेकर्स भी सोचेंगे कि भाई लक्ष्मी बॉम्ब मूवी को रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर स्थितियां तभी सामान्य या स्थिति से कंट्रोल में रह सकती है जब लोगों का भीड़ फिल्म देखने जाए, लेकिन जिस तरह का माहौल है इन दिनों इन सिचुएशंस में, तो स्थितियां सामान्य होने में वक्त लगेगा। और ऐसी सिचुएशंस में बॉक्स ऑफिस पर मेकर सोचेंगे कि कैसे इसका बजट रिकवर किया जाए, जिसके लिए वो टिकट के प्राइस को बढ़ा देंगे। जी हाँ, बता दें कि टिकटों के प्राइस में बढ़ोतरी भी की जा सकती है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। अब आखिर क्या होगा वो तो मेकर्स ही जाने, इस ये इनसाइड सोर्सेस की खबरें निकल के आ रही है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी भारी भरकम बजट पे अगर कोई फिल्म बनती है और उस बजट को अगर रिकवर ना कर पाए, ऐसा तो प्रोड्यूसर्स कभी नहीं चाहेंगे। वैसे दोस्तों जैसे ही स्थितियां सामान्य होगी भी तो काफ़ी टाइम लगेगा, या तो फिल्म को काफ़ी लंबा खींच लें, लंबा काफ़ी टाइम के बाद रिलीज़ करें, या लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद स्थितियाँ सामान्य होने के बाद तुरंत अगर रिलीज़ करते हैं, तो ऐसे में टिकटों के प्राइस बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं। वैसे दोस्तों ये खबरें निकल के आ रही है कि प्रोड्यूसर्स के मन में यही सवाल है कि अगर प्रोड्यूसर्स अगर इस फिल्म को रिलीज़ करते हैं, जी हाँ लॉकडाउन ख़त्म होने के तरह कुछ दिन बाद अगर रिलीज़ करते हैं, अगर स्थितियां सामान्य होने के बाद कुछ ही टाइम के बाद, तो ऐसे में पूरी स्थितियां सामान्य अचानक सी तो नहीं हो सकती, तो ऐसे में कलेक्शन जो है सो काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। तो ऐसे में फिल्म को के बजट को रिकवर करने के लिए हो सकता है कि इसके टिकट प्राइस में बढ़ोतरी की जाए और इससे दुगनी कमाई करने का भी मास्टर प्लान बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। वैसे दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है लक्ष्मी बॉम्ब मूवी को लेकर, क्योंकि भाई हम लोग तो लक्ष्मी बॉम्ब मूवी को ही देखने जा सकते हैं, अक्षय कुमार साहब को ही देखने जा सकते हैं, क्योंकि उनकी फिल्में अगर आती है तो कुछ अलग जॉनर की होती है, कुछ हटके होती है और कुछ मैसेजबल होता है, कुछ मैसेज देते हैं वो अपनी फिल्मों के माध्यम से। वैसे दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है अक्षय कुमार साहब की लक्ष्मी बॉम्ब मूवी को लेकर, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।